गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया हो गए। मैं हूँ अभी बिलासपुर में, सुबह के हो रहे हैं 4:15, अभी सो के उठा हूँ। एंड इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं बिलासपुर से नागपुर इन वंदे भारत, ठीक है ना, जो भी नई शुरू हुई है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैं समझ गया था। एंड आई थिंक आप लोग पिछले वाला व्लॉग देख के समझ गए होंगे कि हाँ भाई, ये वाला अगला व्लॉग आने वाला है। एक और जर्नी के लिए हम निकलने वाले हैं। एंड अगर व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना, ठीक है। फटाफट रेडी होता हूँ, रेडी होके फटाफट फिर निकलेंगे हम स्टेशन के लिए सुबह सुबह। एंड रास्ते में देखेंगे अगर कहीं चाय मिल गई तो वहां पे चाय पी लेंगे। ये है मेरा सूटकेस, तो ये हुडी मैं पहनने वाला हूँ। अभी जाके नहा के आता हूँ, एंड तो जैसे ही नहा के आऊंगा ना, आपसे मिलता हूँ फिर, ठीक है। आई एम रेडी फाइनली। पैकिंग वैकिंग तो बस कर ही रहा हूँ, लास्ट काम बचा है परफ्यूम लगाना, क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ, मैं जर्नी कर रहा था, वो एसी से अंदर आया, अंदर से बाहर गया, बस यही कर रहा था। तो मतलब अंदर से ना स्वेटिंग छोड़ गई यार, मतलब पूरा क्या है, आप समझो कि बहुत ज्यादा फिजिकल काम होता है, मतलब ना अंदर जाना बाहर आना, इधर दौड़ना, फील्ड वर्क जिसको आप कह सकते हो, तो उस वक्त पसीना आ गया एंड काइंड ऑफ वो स्मेल आने लगी। तो इसलिए आजकल मैं परफ्यूम लगाना बिल्कुल नहीं भूलता जर्नी से पहले। हाँ, तो वैसे भी गर्मी है, नागपुर साइड तो गर्मी रहती है, बिलासपुर साइड तो गर्मी रहती है। ये मैं लगा रहा हूँ अप्सिलॉन की गोल्डन सैंड, एक्चुअली आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो। उसमें ना बहुत सारे वेरायटी है, गोल्डन सैंड है, शूटिंग स्टार है, मतलब अलग अलग ओकेशन की अलग अलग वेरायटी। जैसे मैं भी जा रहा हूँ ना व्लॉगिंग के लिए, तो मैं यूज कर रहा हूँ गोल्डन सैंड। तो अगर जैसे मैं कोई इवेंट में जाता हूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ शूटिंग स्टार। काफी लोग एयरपोर्ट लुक की बात करते हैं, बट मुझे लगता है कि ट्रेन जर्नीज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी चीज यार, ट्रेन जर्नीज लंबी भी होती है, तो भाई परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग तो होनी ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रीमियम क्वालिटी अप्सिलॉन परफ्यूम्स में ही मिलेगी आपको, अराउंड 8-10 घंटे जो है भाई आराम से लास्ट कर लेती है ये। और डेली बेसिस पे जो है फिर वो अलग रेंज है। मैं दिखा दूं पहले आपको, मतलब इतने परफ्यूम मैंने रखे हैं अपने साथ। एक है वाइल्ड ब्यू, जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, मतलब अगर ऑफिस जा रहे हो, स्टूडेंट हो। एंड हाँ, दिस इज शूटिंग स्टार, उसको आप इवेंट्स के लिए रख सकते हो, तो है ना भाई कमाल की चीज। पर्सनैलिटी तो इंसान की सेम ही रहती है, मेन होता है कॉन्फिडेंस। भाई मैंने जो चीज अपने साथ रियलाइज किया है, वेयरिंग दीज परफ्यूम, भाई जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हुआ है ना कसम से इन पास्ट फ्यू मंथ्स, परफ्यूम लगाने के बाद ही ना, मतलब लगता है यार कहीं भी निकल जाओ, कोई भी जगह, कहीं पे भी, किधर भी, कभी भी। बेसिकली इट्स लाइक ओनिंग योर स्टोरी, होता है ना कि हमें अपने आप को, अपने लुक्स को कैरी करना आना चाहिए, वो मेन चीज होती है। मतलब प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी है इसके अंदर, आपको पता ही है मुझे प्रीमियम चीजें इतनी पसंद है। इनफैक्ट पास्ट में भी चाहे मेरा ब्लॉग्स देख लो, मतलब जो क्वालिटी ये प्रोवाइड करते हैं वैसी क्वालिटी तो आपको कोई 5,000-10,000 वाली परफ्यूम में ही मिलेगी। बट हाँ, इसका प्राइस बहुत ही गजब का है। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, खरीद सकते हो। आप अगर ऑफिस जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फिर इवेंट पे जा रहे हो, अलग अलग ओकेशन के लिए आपके पास अलग अलग परफ्यूम्स। ये है गोल्डन सैंड, यू कैन यूज माय कोड हैरी10 फॉर 10% ऑफ। तो अमेजोन का लिंक, इनकी वेबसाइट का लिंक, सबका लिंक नीचे दिया हुआ है, अभी जाके परचेज करो। मेरा कोड है हैरी10, जो डिस्काउंट आपको 10% मिलेगा वो इनकी वेबसाइट पे मिलेगा, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाके आप परचेज कर सकते हो। भाई लगा लीजिए परफ्यूम। फाइनली आ गया हूँ मैं स्टेशन, ये भैया के साथ आया, सुबह सुबह हमने चाय भी पी साथ में, और ये कह रहे हैं कि यहीं से जाएगी ट्रेन, तो अब देखते हैं। एंड दिस इज बिलासपुर स्टेशन। मैं लाइफ में पहली बार बिलासपुर आया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, मतलब काफ़ी अच्छी सिटी है ये, काफ़ी शांत है, थम्सम भी है यहाँ पे स्टेशन में। तो हाँ, स्टेशन काफ़ी डेवलप्ड है, तो अब जाते हैं अंदर, 6:45 की ट्रेन है हमारी। फाइनली बस स्टेशन में तो आ ही गया था, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से जाएगी ये वंदे भारत। टाइटल थंबनेल तो समझ गए होंगे देख के, तो हम निकलेंगे यहाँ से अराउंड 6:45 को, अराउंड 12:30 पहुँचेंगे हम नागपुर। और आप ये देख रहे हो ना, ये देखो फूल वूल लगे हुए हैं, 2 दिन पहले इसका कमर्शियल रन था, आई थिंक सजाने के लिए पूरा इन्होंने सेलिब्रेशन के लिए फूल वूल लगाए थे। मेरा कोच है E1, सीट नंबर 44, एंड दिस इज C1। हाँ, सबसे एंड में है मेरा कोच। ये देखो हमारे साथ कौन चल रहे हैं, द ग्रेट रेल ज्ञान कोश। आपने इनको लास्ट वीडियो में देखा, अभी भी देख रहे हो, और अभी हो रहा है 6:37, कितना टाइम हो रहा है। हाँ, तो बराबर मैं जाता हूँ, सामान रखता हूँ। भाई साहब, क्या प्रीमियम फीलिंग आ रही है इसको देख के, बहुत ही कमाल की लग रही है गाइस, सीरियसली अमेजिंग यार। और भाई देखो, इसका जो चेयर का आ रहा है ना, इस बार इन्होंने डार्क ब्लू कलर का दिया हुआ है, सीट के कलर में ना चेंजेस करते रहते हैं टाइम टाइम से, तो इस बार चेयर कार का कलर कर दिया इन्होंने डार्क ब्लू, पहले किया लाइट ब्लू फिर डार्क ब्लू, तो ऑलमोस्ट आपको हर कोई सेल्फी लेते हुए दिख जाएगा। और हाँ, मेरा कोच है ये E1, क्योंकि मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि काफी लोगों को अभी मालूम नहीं चला, मतलब इस ट्रेन के बारे में। फाइनली वी हैव एंटर्ड, ये डोर्स आर ऑटोमेटिक है। नमस्कार, देखा हुआ आपने देखा होगा इन्होंने वीडियो, और ये डोर्स आर ऑटोमेटिक, ठीक है। तो मुझे कुछ अलग लग रहा है इसमें, डिफरेंट मिलेगा आपको बहुत कुछ,
सो डोर्स आर ऑटोमेटिक. क्या फीलिंग है यार अंदर, अलग ही लेवल की. मेरी सीट है 44. किधर है दिस इज माई सीट. तो बात करें अगर इंटीरियर की, फर्स्ट फीलिंग जो मेरे अंदर आई ना जैसे ही मैं एंटर हुआ, जो पहली फीलिंग थी ना वो यही थी. अगर आपने ट्रेन्स में बिजनेस क्लास नहीं सुना है, अब सुन लो. आई थिंक ये जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव चेयर क्लास नहीं लगता मुझे. आई थिंक दिस इज बिजनेस क्लास इन माई ओपिनियन. लेग स्पेस देखो भाई, इतनी ज़्यादा लेग स्पेस यार, आराम से सो सकते हो. एंड ये देखो सीट की विड्थ देखो, आराम से आ जाओगे. दो लोग ना आ जाओ इसमें आराम से. एंड अगर ये प्रेस करोगे ना तो ये सीट जो है पीछे हो जाएगी. क्वालिटी देखो सीट की, टॉप क्लास की है. अगर चार्ज करना है आपको अपना मोबाइल तो यहाँ से चार्ज कर सकते हो. ये वाले पैसेंजर भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो. तो पुराने वाली ट्रेन्स में यहाँ पे था, अभी यहाँ कर दिया है फॉर सम रीजन. इसके अलावा यहाँ पे है मैगजीन होल्डर और यहाँ पे है फुट रेस्ट. अगर आपकी हाइट है 5'7" 5'8" तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप आराम से यहाँ पे ऐसे करके आराम से लेट सकते हो, बैठ सकते हो. उसके अलावा ये दिया है इन्होंने धूप से बचने के लिए. एक लुक इन्हांस कर रहा है ये, मतलब पुराना देसी स्टाइल नहीं है कि यहाँ पे हुक फंसाओ करके. हाँ तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. यहाँ पे यार ये इन्होंने ट्रे टेबल दिया है, कुछ अलग टाइप का दिया है यार. ओके ये ऐसे खुलेगा. ओ भाई साहब ट्रे टेबल का साइज देखो, 2-4 मील्स भी रखी हो ना अभी कोई दिक्कत नहीं है. आराम से मील रख के आराम से खाओ. मतलब ये नहीं है कि यार एक ही मील खाओगे फिर दूसरी लाओगे, कई बार जगह नहीं होती ना. पर इसमें देखो एक नई चीज जो मेरे को मालूम चली ना, कि अगर आपको इस सीट को पीछे करना है ना तो यहाँ पे इन्होंने जो बटन दिया है ना उसको दबाओ. ठीक है वो तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस बार सीट आपकी ये पीछे नहीं जाएगी बल्कि जिसमें आप बैठे हो वो आगे जाएगी. दिखाता हूँ कैसे. 1 2 3 समझे कैसे. तो देखो ये जो है ना, ये सिर्फ ये पीछे नहीं गया बल्कि जिसमें मैं बैठा हूँ ये भी आगे चला गया. ये भी कुछ डिफरेंट है, इसको आप यहाँ पे फंसा सकते हो. ठीक है खोलना हो तो बस पुश करके ऐसे निकाल सकते हो. प्राइस की तो बात ही नहीं की. अगर बात करूँ मैं प्राइस की, तो मैंने इस ट्रेन के लिए पे किए हैं टिल नागपुर 2000 रुपये एग्जीक्यूटिव चेयर कार के. अगर आप चेयर कार में जाते तो लगभग अराउंड 1100-1200 रुपीज लगते. नाउ डिफरेंस क्या है चेयर कार और एग्जीक्यूटिव में, कि ये है 2-2. जो मेजर डिफरेंस मुझे लगता है कि भाई जो सीट की विड्थ है ना, एंड आई थिंक सर्विस भी बेटर होगी एग्जीक्यूटिव में. जो सॉकेट है ना यहाँ पे भी है वहाँ पे भी, यहाँ वाले पैसेंजर्स के लिए वहाँ पे और यहाँ वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे. और ये है हैंड रेस्ट, चाहो तो आराम से हाथ इसमें रख सकते हो. कौन कह सकता है कि ये प्लेन नहीं ट्रेन है, कौन बोल सकता है. दिस इज चेयर कार 3-2. मुझे ये भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है, काफ़ी ऑसम है. और हाँ सीट की विड्थ कम है, लेग स्पेस कम है, एंड ट्रे टेबल का तरीका अलग है. ये भी काफ़ी बढ़िया है. और जितनी बार मैंने वंदे भारत के चेयर कार में ट्रैवल किया है मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है. दिस इज़ द वॉशरूम. ये है हैंड ड्रायर, ये है सोप डिस्पेंसर, ये है आपका टैप. वॉशरूम भी टॉप क्लास का है. और यहाँ पे आप चाहो तो कुछ हैंग कर सकते हो. इस डोर्स आर ऑटोमेटिक. और अभी हम चलने वाले हैं और टाइम देख लो कितना हो रहा है. टाइम हो रहा है 6:42. निकलने वाले हैं यहाँ से. और यहाँ पे भी CCTV कैमरा लगा है. यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कुछ चीज़ें हैं. एंड दिस इज़ डीप फ्रीजर. हाँ ये हॉट केस है, डीप फ्रीजर है. हम भैया हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो बहुत सारी वीडियोस देखते हैं ये हमारी. न्यूज़पेपर भी दिया हुआ है इधर पढ़ने के लिए, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का. तो अभी आपसे बात करने के बाद मैं पढ़ूंगा न्यूज़पेपर, पर मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ता हूँ, बिकॉज बाकी न्यूज़ पढ़ने पर मुझे ना एक BTC होती है. तो हाँ वो नहीं, तो हाँ आपसे बात करने के बाद पढ़ूंगा आराम से न्यूज़पेपर. और अभी हो रहे हैं 6:43. लगभग 2 मिनट में हम यहाँ से निकलने वाले हैं. यहाँ से नागपुर है 412 किलोमीटर. यहाँ से निकलने के बाद हम नेक्स्ट रुकेंगे रायपुर में. रायपुर के बाद आई थिंक रुकेंगे दुर्ग में, गोंदिया एंड सीधा नागपुर. 5 घंटे में लगभग पहुँचेंगे. देखते हैं पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि आई थिंक कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस रूट में शायद. उस चक्कर में बहुत ट्रेन लेट हो रही हैं. इवन मैं जब यहाँ पे आया तो 2.5-3 घंटा लेट आया. आई होप ये लेट ना हो, बिकॉज यार 2 दिन तो हुए हैं शुरू हुए. अगर अभी से ऐसा हो गया तो फिर मतलब इंटीरियर में कुछ कमी नहीं है. ऑनेस्टली इट हैज़ बीन द बेस्ट. हाँ अब चलने में तो हाँ, वैसे बात बताऊँ आपको ऑनेस्टली, जैसे जिस टाइप की ट्रेन्स है ना, एक्चुअली में इसकी स्पीड होनी चाहिए 200-250 होनी चाहिए थी वैसे तो, बट ठीक है 130 पर रिस्ट्रिक्टेड है. बिकॉज वही दरवाजे बंद होने से पहले ना वहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा डोर्स आर क्लोजिंग. एंड हाँ तो ये आंटी जी आपको बताएंगी दरवाजे बंद हो रहे हैं. दरवाजे बंद हो रखे हैं। Guys, अभी हमको मिली है ये पानी की बॉटल, बहुत रिक्वायर्ड थी, मेरे पास पानी था भी नहीं. इसको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, गाड़ी संख्या बहुत आगे है.
हाँ एक चीज बोलूंगा गाइस कि ये जो बॉटल होल्डर है ना ये यहाँ पे सही है, मतलब ऑनेस्टली कई ट्रेन में देखा है मैंने यहाँ पे होता है ना वो बेटर रहता है, ये थोड़ा दूर पड़ता है तो दिया तो है ऑफ कोर्स बॉटल होल्डर बट यहाँ पे आई थिंक ज्यादा अच्छा रहता है। आप चाहो तो इस सीट को रोटेट भी कर सकते हो, मतलब चाहो तो सीट को घुमा भी सकते हो। और यहाँ पे मैंने अभी अभी ध्यान दिया कि इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सीट में क्या क्या चीजें दी हुई हैं, मतलब जो भी चीजें मैंने आपको बताई ना यहाँ पे भी कुछ कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आप कैसे घुमा सकते हो, चार्जिंग सॉकेट्स किधर है, सीट कैसी है एंड ऑल, एवरीथिंग इज गिवन। ये भी एक मुझे अच्छी चीज लगी, इसको घुमा सकते हो वैसे चाहो तो, बट मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। वंदे भारत में ना मतलब ये मसाला चाय चल रही है, हाँ मैंने कॉफी मंगाई है उनसे, तो लेट्स सी कॉफी आती है कि। आपको मालूम है मतलब मैं अगर अपना शेड्यूल बताऊँ ना आपको, तो मैं अभी फिलहाल हूँ नागपुर जा रहा हूँ, नागपुर से फिर मैं निकल जाऊँगा दिल्ली, दिल्ली से आगे, और कल ही आया हूँ और कल रात मैंने मैच भी देखा है फुटबॉल का, हाँ रात पर सोया भी नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कॉफ़ी चाहिए। शुगर फ्री डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये कॉफ़ी मिली है हमको कैपुचिनो, ये वैसे बढ़िया रहती है, काफ़ी बढ़िया रहती है, इसमें शुगर एडेड रहती है पहले से, तो जैसे अगर आप शुगर खाना पसंद नहीं करते हो तो यू डोंट हैव अ चॉइस, तो आपको यही लेना पड़ेगा, इसमें शुगर एडेड रहती है, हालांकि बहुत मस्त होती है कॉफ़ी, प्रीमियम काफ़ी प्रीमियम कॉफ़ी है, यही पियेंगे साथ में। हाँ ये इन्होंने कप लिया है, ये मैंने खोल लिया है, इसमें से खुशबू एक नंबर आ रही है, इसको डाल लेते हैं। एक्चुअली पता है इसकी क्वांटिटी भी बढ़िया रहती है, पानी कम दलवाइए, मतलब अगर ज़्यादा पानी दलवा दोगे ना तो टेस्ट चला जाएगा, आधा कप दलवाओगे ना तो मतलब प्रॉपर टेस्ट आएगा कॉफ़ी का। क्या कलर आया है कॉफ़ी का, एक नंबर, अभी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ, इतनी गजब कॉफ़ी लग रही है ना, अब पी के देखते हैं कैसी है, एक नंबर। एक्चुअली पता है ये कॉफी का प्राइस पता है कितना है, 25 रुपए की कॉफी है, कंजूसी नहीं कर रहे हैं लोग, हाँ पानी वाला कोई सीन नहीं है, ऑनेस्टली बताऊँ तो चाय जो है 15 रुपए की है, कॉफी 25 रुपए की है। सो राइट नाउ इट्स 8:08, अभी हम बस पहुंचने वाले हैं रायपुर, आई थिंक हम थोड़ा लेट चल रहे हैं गाइस, मतलब लगभग एक घंटे में पहुंचना था, रुक रुक के चल रहे हैं। तो गाइस फाइनली वी आर इन रायपुर, वी हैव कवर्ड अराउंड 110 किलोमीटर्स, आधा घंटा लेट आए हैं तो रश काफी ज्यादा है, और मैं अंदर चलता हूँ, दरवाजे बंद हो जाएंगे। अच्छा हुआ टाइम से अंदर आ गया, बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे, काफी पब्लिक चढ़ी है, बिलासपुर से तो ये ट्रेन खाली आई है। हाँ तो आंटी जी भी कह रही है डोर्स आर क्लोजिंग, अब निकलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट स्टॉप इज दुर्ग जो कि आई थिंक अराउंड एक घंटे में आ जाएगा। गाइस वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम रायपुर, देखो टाइम कितना हो रहा है, अराउंड 8:14 हो रहा है, अराउंड 2 से 3 मिनट रुके होंगे, यहाँ से अराउंड कह सकते हो आप 300 कुछ किलोमीटर है नागपुर, तो हाँ आप देखते हैं भाई यहाँ से आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, बाकी रश बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट जितनी वंदे भारत मैंने ट्रैवल किया है ना, तो ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस बहुत सारे थे, तो मतलब पहले कटलेट लाते हैं उसके साथ, फिर ऑमलेट भी, या तो फिर पराठे भी, और पता नहीं बहुत कुछ, इनफैक्ट छोले कुलचों का नया कोई ट्रेंड चला है, तो देखते हैं इसमें क्या आने वाला है ब्रेकफास्ट, तो बस उसी का वेट है फिलहाल। एनीवे वी हैव लेफ्ट रायपुर, तो अब जा रहे हैं टुवर्ड्स दुर्ग, हमारा अगला स्टॉप, एंड यहाँ पे ना स्क्रीन पे पूरी पता नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है कोई, कि हाँ मतलब ट्रेन में क्या क्या फीचर्स हैं, और वाईफाई वगैरह भी वहाँ पे है, कि वाईफाई में ना बहुत ही मतलब डॉक्यूमेंट्रीज दिखा रहे हैं, हाँ पुरानी पुरानी, मतलब जो आप लोग शायद ना देखो, क्योंकि हाँ मेरी ऑडियंस है 18 to 25 ज़्यादा है, तो हाँ आप लोग शायद ना देखो। अभी हम आ गए हैं दुर्ग, ये हमारा सेकेंड स्टॉप है बिलासपुर के बाद, और यहाँ 2 मिनट रुकने वाले हैं, प्लेटफॉर्म आया है उस पर जा नहीं रहा बाहर, 2 मिनट का स्टॉप है, जाऊँगा आऊँगा, और वैसे भी रश है यहाँ पे, काफ़ी लोग चढ़ेंगे दुर्ग तक, आई थिंक चढ़ेंगे लोग, एंड इसके बाद जो है चढ़ने बंद हो जाएंगे नागपुर तक, आई थिंक सो, दुर्ग एंड रायपुर से मेन जो है क्राउड चढ़ेगा, एंड यहाँ से आई थिंक हमारा ब्रेकफास्ट भी चढ़ेगा आई थिंक सो। तो गाइज अभी हो रहा है 8:46, 5 मिनट हो गए हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं, रीज़न मुझे समझ नहीं आ रहा, बट पता नहीं कुछ तो है भाई इस रूट में, कुछ तो प्रॉब्लम है एक्चुअली ना, सेंसर देखो ये है रेड कलर की जो चल रही ना लाइट, ये दिस इज सेंसर जो सेंस करता है, ये खुल जाता है अपने आप। सारे निकल गए हम लोग दुर्ग से, अगला है आर से नाम है, सबका अलग अलग है, हाँ इसको घुमा दे ना, क्या इसको इसको घुमा दीजिए, एक बटे उठो, अच्छा यहाँ से है इसका, अच्छा हर ट्रेन का अलग है एक्चुअली। तो इस वाले वंदे भारत में ना यहाँ से होता है, और जो बाकी वंदे भारत थी उसमें यहाँ से होता है, इसमें यहाँ से होता है, तो भाई मैं वही कह रहा हूँ सब में अलग अलग है एक्चुअली।
पहले आएगा हमारा कॉर्नफ्लेक्स, तो नाश्ते के साथ नहीं, नाश्ते से अलग लाके दिया है पहले कॉर्नफ्लेक्स। मुझे याद है ऊना वाली ट्रेन में हमें अभी वो मिला था, हनी मिला था, ऊना नहीं अहमदाबाद वंदे भारत में हमको हनी दिया था साथ में, क्योंकि मुझे कॉम्बिनेशन बहुत बहुत ऑसम लगा था। अभी हमको मिल गया है शुगर फ्री कॉर्नफ्लेक्स, तो साथ में मिल्क पीते हैं और फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आएगा। वंदे भारत का जो मेन्यू रहेगा ना वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, एंड हर बार आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ अलग जरूर मिले। मैंने एक और चीज देखी है कि कॉर्नफ्लेक्स जो है ना नॉर्मल विदाउट मिल्क भी काफी बढ़िया लगता है, काफी टेस्टी लगता है। एंड देखोगे तो कोई भी इवन होटल में भी जाओगे ना गाइस कॉर्नफ्लेक्स आपको मिल ही जाएगा। कॉर्नफ्लेक्स बनाना ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एवरग्रीन है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट ज्यादातर पब्लिक मतलब मैक्सिमम पब्लिक थोड़ा कार्ब्स ज्यादा खाती है। अभी मैं ट्राई करता हूं ये कॉर्नफ्लेक्स, काफी बढ़िया है, मिक्स करके नहीं लाए हैं, प्योर मिल्क दिया है, मुझे अच्छा लगा। हमारे ब्रेकफास्ट इज हियर। सबसे अलग जो मुझे चीज लग रही है ना वो ये लग रही है, इसमें इन्होंने कोकोनट वाटर दिया है। ये बहुत क्वालिटी की चीज है, मतलब ऑनेस्टली जूस मिलता है बहुत बार आई नो, बट जूस उतना हेल्दी नहीं होता। दिस इज समथिंग एल्स, सम डिफरेंट लेवल। ये बहुत मस्त चीज है, इसको मैं आराम से पीऊंगा, हो सकता है अगर हो सकेगा तो मैं एक्स्ट्रा मंगवा भी लूंगा अगर पॉसिबल हुआ। इसको हम रखते हैं इधर, और वैसे भी ये ट्रे टेबल इतनी बड़ी है कि हाँ भाई आराम से इसमें सब कुछ फिट हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या है। तो ये है पोहा। ये भैया बता रहे थे कि हर दिन जो है मेन्यू चेंज होता रहता है, तो आज पोहा मिला है, कल पराठे थे, उसके पहले कुलचे भी थे, तो आज पोहा ही है, पराठे नहीं। पोहा टेस्ट करेंगे और दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है ये पोहा। एंड आई थिंक छत्तीसगढ़ का पोहा काफ़ी टेस्टी भी होता है, और एमपी का तो होता ही है। और ये है पनीर कटलेट। ओ भाई साहब ये कुछ नई चीज़ है। तो भाई कटलेट तो बहुत देखे हैं पर पनीर कटलेट नहीं देखा कभी। पनीर कटलेट भी एक बार टेस्ट करेंगे। हाँ तो कभी पनीर कटलेट टेस्ट नहीं किए। जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि वंदे भारत में ना आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट मिले गए, तो इस बार भी देखो पनीर कटलेट मिले हैं, फिर पोहा भी डिफरेंट ही हुआ। एंड यहाँ पफिन्स दिए हैं जो वेज हैं, क्योंकि ये वेज ब्रेकफास्ट है, तो मेक श्योर करते हैं कि ये भी वेज ही हो, मतलब एग ना हो इसमें। हालांकि मैं एग खा लेता हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ जैसे मैंने बोला। साथ में ये चाय मिली है हमको, इस बार मैं चाय पीऊँगा, सुबह मैंने कॉफ़ी पी थी, एंड आई ट्राई चाय दिस टाइम। साथ में मिली है सॉस, यहाँ पे दिया अचार, यहाँ पे दिए जैम, यहाँ पे ब्लैक पेपर, और ये स्टिक दी है जिसमें से आप जो है चाय मिक्स कर सकते हैं। तो ये है ओवरऑल ब्रेकफास्ट। तो पहले टेस्ट करते हैं, सबसे पहले भाई पनीर कटलेट टेस्ट करने, अगर अच्छे लगे ना तो मैं भैया को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक और ले आओ। तो ट्राई करते हैं कटलेट, बहुत बहुत टेस्टी लग रहा है, काफ़ी सॉफ्ट भी है, काफ़ी गर्म है, काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो एक बार ट्राई करते हैं। कटलेट बहुत टेस्टी है, लेकिन एक चीज़ में स्कैम हो गया, ये आलू है इसके अंदर, आलू है और लिखा है कि पनीर है, तो हाँ ये गलत चीज़ है, बट हाँ टेस्टी बहुत है, 10/10, एब्सोल्यूट 10/10। और वैसे भी गए अभी तो 2 दिन हुए हैं चले हुए ट्रेन को, तो खाना तो अभी टॉप नॉच रखेंगे। इसके साथ अभी ये ट्राई करता हूँ ये कैसा है पोहा। बहुत बढ़िया, पोहा भी काफ़ी टेस्टी है, जो कटलेट है काफ़ी अच्छे हैं। तो ओवरऑल ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया लगा, एंड ये चाय भी अच्छी होने वाली है मसाले वाली। ओवरऑल ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया है, ये दही भी मिल जाती है साथ में, बट दही का कोई कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा मुझे किसी के साथ, कि ये बहुत टेस्टी है। ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं एंड आपसे मिलता हूँ। और हाँ राज नंदगांव से हम निकल चुके हैं, आए थे निकल गए, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, ब्रेकफास्ट ले गए, मतलब हो गया था मेरा कंप्लीट। वो चाय जो पड़ी हुई थी ना मैंने उनको बोल दी थी बना के ले आए हैं। तो देखो गाइस इसमें ना पानी कम डाला है ना, देखो कलर कितना कमाल का आया है इसमें, मसाला चाय है। तो हाँ तरीका यही है कि अगर आपको मसाला चाय मिले तो पानी लिमिटेड डालना, तो ही जो है आपको टेस्ट मैक्सिमम आएगा। तो ये है चेयर कार, ज़्यादातर खाली है, पूरा ऑपरेट करते हैं इधर से, इतने लोगों को लेके चल रहे हैं, तो हाँ पूरा फोकस होके जो है पूरा ऑपरेट करना पड़ता है ट्रेन को। तो राइट नाउ इट्स 10:59 और अभी हम आए हैं गोंदिया, दिस इज़ आर लास्ट स्टॉप, नागपुर से पहले ये आखिरी स्टॉप है, यहाँ पे 2 मिनट का ही स्टॉप होगा, तो बाहर दरवाजे खोलेंगे मैं जाऊँगा, इतने में 2 मिनट खत्म हो जाएंगे। वैसे तो ये E2 फिलहाल अभी खाली चल रहा है, ऐप में ना इसका अभी इस ट्रेन का ना वो है ही नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, मतलब उसमें जब मैं नंबर डाल रहा हूँ तो आ ही नहीं रहा। अभी मुझे पता नहीं हम एग्जैक्टली कितना लेट चल रहे हैं, 1 घंटा अप्रॉक्स शायद लेट होंगे, 12:30 का हमारा टाइम है नागपुर पहुंचने का। यहाँ उतरने वाले हैं पैसेंजर्स पर चढ़ने वाले नहीं हैं, जैसे देख रहे हो कि कोई भी नहीं चढ़ रहा। गोंदिया से हम निकल चुके हैं, बट लेट्स सी 2 घंटे में पहुंचते हैं कि नहीं, बिकॉज 12:30 का तो राइट टाइम है। यहाँ पे ना मेडिकल किट भी दी हुई है, बाय चांस अगर कुछ खुदा ना खास्ता कभी कुछ इमरजेंसी हुई तो हाँ यहाँ पे इसको यूज भी किया जा सकता है।
राइट नाउ इट्स 11:57, हम नागपुर पहुंचने वाले हैं। अरे भाई गनीमत है कि ये ट्रेन टाइम पे पहुंची है, सारी ट्रेन से लेट हो रही है यहाँ पे इस वाले रूट में। तो गाइस फाइनली आई हैव रीच्ड नागपुर, वी हैव कवर्ड अराउंड 412 किलोमीटर्स लगभग 5 घंटे में। काफ़ी बढ़िया जर्नी रही एंड वापस यहाँ पे गर्मी है काफ़ी नागपुर में। एंड अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट और मैं जाऊँगा दिल्ली यहाँ से। एंड इसके बाद आपको मिलने वाला है एक प्यारा सा फ्लाइट व्लॉग जिसका आप लोग बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हो। एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट टाइम विद संदीप भाई। तो हाँ कल भी हम लोग मिले, अभी भी जो है भाई को अब सी ऑफ करना पड़ेगा। संदीप भाई मज़ा आ गया साथ, बहुत मज़ा आया, अनएक्सपेक्टेड था। एंड भाई के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत डिस्कशंस हुए एंड हमेशा याद रह गए। ठीक है हाँ, तो ठीक है यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और अच्छा कॉन्टेंट बना सकूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। हो गया।